हेलो फ्रेंड्स uh, जब एमबीए की हम बात करते हैं मैं बहुत लोग को जब एमबीए रेकमेंड करता हूं स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल कि वो सीए में बहुत बार फेल हो चुके हैं सी एम या सीएस में बहुत बार फेल हो चुके हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर एंड देयर इज नो रीजनेबल प्रोबेबिलिटी कि आप दो अटेम्प्ट दे के भी हो सकता है कुछ लाइफ चेंज हो जाए तो उन सिचुएशन में मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब आप एम करिए बट दे टिपिकली इंडिया में एवरी वन नोज दैट एम बी ए प्लेसमेंट आर गुड एंड एम बी ए का एक एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप एंट्री आपकी हो जाती है तो आपका एग्जिट श्योर शॉर्ट होना है तो जो सी ए में एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वाला एक प्रॉब्लम जो होता है वो एम बी ए में नहीं है एक होता ही है जो मैं हमेशा अपने में बोलता कि आपको पांच साल बादशन सी ए इंटर गोइंग फॉर एमबीए मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ सी ए इंटर के बाद बीसते हैं इतना उनको रिकॉग्नाइज करती है

क्या एक मिड क्लास उसमे भी अगर, अगर जो टू भी भी देखेंगे, reasonably good भी वहाँ पे देखेंगे, आपको आठ दस लाख का, जो जो का ही प्लेसमेंट लगता है so that way comparable. जो लोन का बात है, वो लोन आपका हंड्रेड परसेंट जाएगा मैं आपको गारंटी लेता हूँ अगर आप एकदम ही फद्दू इंस्टीट्यूट से नहीं करते कि भाई चार कमरे में खुला हुआ एक के आईसीटी अप्रूवीए कॉलेज है वो नहीं बता कर रहा बट और इसमें एक बहुत अच्छा एस बी आई स्कॉलरशिप का जो लिस्ट है वो मेरे को बहुत सही लगता है कि भाई इंडिया का लार्जेस्ट बैंक अगर आपको बिना कोलेट्रल फी बिना कोलेट्रल फी बिना प्रोसेसिंग बिना कोई इफ्स एंड बट्स के हर कैंपस में ब्रांच खुला हुआ है हंड्रेड परसेंट फाइनेंसिंग दे रहे हैं फॉर आई आई टीज आई एम्स एन आई टीज एक्सेट्रा उसको पता है ना उसने ड्यू डिलीजेंस किया है तभी तो आपको ऐसा लोन दे रहे हैं ना

तो आप सोचिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है कि आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं सी कैटेगरी में जो है पॉइंट फाइव से लेके वन पॉइंट फाइव का स्प्रेड ले रहे हैं बट स्टिल एट पॉइंट टू परसेंट इज द लोन जो A और बी कैटेगरी इंस्टीट्यूट है 1 का स्प्रेड uh, है 50 बिप्स का स्प्रेड है 35 बिप्स का स्प्रेड है तो आप क्या चाहिए आपको एज इन इट इज फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ क्या मिल सकता है अच्छा एक प्रमोशनल uh, थिंग है दैट अनअकैडमी जो अभी एमबीए में काफी बड़ा तरीका से फोरए किया है वो लोग uh, का हम प्रमोट uh, करते हैं अपने चैनल पे एक टेस्ट सीरीज है जो मॉक टेस्ट फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी कैट

सेकेंड डिसम्बर को ये स्टार्ट होगा नॉन कैट टेस्ट सीरीज तो आप प्लीज इसे जरूर देखिएगा तो बात कर रहे थे स्कॉलर स्कीम की अप टू विदाउट एनी टैंजिबल थेटर सिक्योरिटी आई एम ए बी सी इंदौर इंदौर मुंबई कैंपस कोजिकोट लखनऊ तो ब्लैकी तो है ही आई एस बी हैदराबाद आई एस बी मोहाली तो आई एस बी भी अगर आप वन ईयर एम बी ए बी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा फंडिंग एस बी आई करने को तैयार है तो आपको क्या डर लगता है तो जिगरा किस में नहीं है एस बी आई में नहीं है कि आप में नहीं है जिगरा आप में नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको GMAT देना है और ये लोन लेने का जिगरा होना चाहिए सामने वाला आपको आर। फिर लिस्ट जिसके हम बात करें थे आई एफ टी दिल्ली आई एफ टी कोलकाता जितने न्यू आई एम्स है ये सारे के सारे अमृतसर बोधगया जम्मू काशीपुर नागपुर रायपुर रांची रोहतक संबलपुर शिलोंग सिरमौर त्रिची उदयपुर ये सब जगह आपको बीस लाख रुपया जो इनका फीस है एस दे रहा है विदाउट एनी कोलाट्रल एस प्लस जितने पी एस यू बैंक है सभी के सब दे, दे देते होंगे तो इनका जो लिस्ट है इंस्टीट्यूट में आई एम विजाखापटनम आई एम टी गाजियाबाद एमडीआई गुड़गांव एमडीआई मुर्शिदाबाद निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो इतना कोई टॉप एंड इंस्टीट्यूट नहीं है बट यहाँ से भी आप प्लेसमेंट देखेंगे ना तो आठ दस लाख रुपए का आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा

एक्स आई एम भुवनेश्वर है एफ एस एम है फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ग्रेट इंस्टीट्यूट तो ये थर्टी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं जितने आई आई एफ टीज है न्यू आई एम्स है आई एम टी गाजियाबाद एम डी आई वाला जो इंस्टीट्यूट है निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड देन एस पी जैन शैलेश

गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है इकफाई हैदराबाद है आई एम आई कोलका भुवनेश्वर किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट है एनआईबीएम पुणे इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था नर्सिंग मुंजी मुंबई नॉट बैंगलोर तो इसका मतलब वी कैन बी एश्योर कि अगर नर्सिंग मुंजी मुंबई में बैंक को लेटरल फी देने को तैयार है मतलब नॉर्मली यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट बन सकते हैं वी स्कूल मुंबई वी स्कूल बैंगलोर एंड लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन शायद इसके अभी चेयरमैन है तो जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं इसकी भी प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है लिस्ट सी इंस्टीट्यूट में भी है ये मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ 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 मैनेजमेंट का का जेवियस, का बट स्कूल कॉमर्स मास्टर्स फाइनेंस एस है तो पॉइंट ये है कि जब आपको इतना सारा अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है तो ये मिसकनसेप्शन कहा है कि सिर्फ ब्लैकी से एमबीए ब्लैक सेम बी ए से तो तभी आपका कुछ हो सकता है तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है तो ये नॉन कैट सीरीज है इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं तो ये जब आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कोलेट्रल फ्री लोन्स मिल रहा है 100% परसेंट फाइनेंसिंग मिल रही है कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है और एस का मेरे हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सबके सब बैंक ऑफ बरोडा सब ऐसा दे रहे होंगे तो ये जो कॉमन ट्रेन ऑफ थॉट है अपने आप को आप लिमिट कर रहे हो इसमें इसका यही मतलब है कि आपके अंदर जिगरा नहीं है इसका मतलब यही है बिकॉज आई एम अहमदाबाद में मैं जो पीजीपीएच भी किया था और मैं जो बोल रहा हूँ आपको अपने फोन एक्सपीरियंस से बोल रहा मैंने पीजीपीएच में पूरा पूरा लोन लोन लिया था था फ्री मेरे को मिला विदाउट एनी सिर्फ एडमिशन ऑफर लेटर दिखाया कि मुझे एडमिशन मिल गया है पैसा डिसवर्स डायरेक्टली आई के अकाउंट में क्रिएट हो गया मेरे को खाली लोकल एस ब्रांच में जाके डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है आई एस से आप कर सकते हो तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको खो देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से For reasons की मैं मिडिल क्लास हूँ अगर आप ये बोलो कि तो the तो तो बोल तो वजह से प्लीज उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिएगा कि भाई हाँ सर बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे हम लोग अगर एक चेन ऑफ थॉट में फंस गए हैं ये नॉट ने तो आप इसको सोचिए कि हाँ नेक्स्ट ईयर 2021 में मैं अगर मैं एमबीए करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं या वन ईयर एमबीए या टू ईयर एमबीए मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बहाना नहीं चलेगा ये बोलो हाँ मेरा दिमाग नहीं मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता इंग्लिश मैं पढ़ना ही नहीं चाहता मैथ्स वो एक आपका अलग बात है देन आप एटलीस्ट किसी को धोखा नहीं दे रहे बट ये आज इस वीडियो को देखने के बाद ये इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक आपके ड्रीम्स के बीच में नहीं आ सकती कि एमबीए तो भाई सिर्फ अमीर लोग का चोटला है उसके लिए मिडिल क्लास आदमी नहीं जा सकता Thank you so much for watching this video. All the best. Bye-bye.